हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं फ्रेंड्स, एलसीएम एंड एससीईएफ से घंटियों वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, आज मैं ये आपको सिखाने वाला हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो कह रहा है घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजती हैं, ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में वही सेलेक्ट कर रहा हूं जो रिसेंटली आपके पेपर में पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए, सबसे पहले फ्रेंड्स जब इस टाइप घंटियों वाला सवाल आए तो हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एलसीएम निकालना है, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स 12, 18, उसके बाद क्या है 24, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स 36 और क्या है 45, इसका फ्रेंड्स एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से पहले काटिए, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे 18, 45 नहीं कटेगा तो फ्रेंड्स नहीं काटेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद में बात करूं, फिर 2 से ले जाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 3 6 9, देखिए फ्रेंड्स नहीं कटेगा 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 नवा 18 और उसके बाद 45 2 से नहीं कटेगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर मैं फिर बात करूं 2 से काट दूं इसको, तो देखिए 2 से काटेंगे 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहां पे 9 आ गया, फिर कितना आ गया 45, 3 से काटते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसको मैं 3 से काटूंगा, 3 से काटेंगे 3 1 9 3 3 3 9, 3 1 9 3 3 3 9 और 15 3 45 फ्रेंड्स। फिर 3 से आप ले जाएंगे इसको, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1 1 1 1 और 3 5 15, क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स मुझे तब तक ले जाना जब तक नीचे 1 ना जाए, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स हर जगह 1 आ गया, इसका पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 2 2 4 4 2 8, 8 3 24 24 3 72, पंचे कितना हो जाएगा 360, यानी एलसीएम निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 360। अगर फ्रेंड्स ध्यान देना यहां सेकंड में दिया है तो एलसीएम सेकंड में ही आएगा, इस बात का ध्यान देना, 360 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। लेकिन कह रहा 9 बजे एक साथ बजे हैं, तो कब एक साथ बजेंगे, 360 सेकंड का मतलब क्या कितना हुआ फ्रेंड्स, 60 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी कितना आ जाएगा 6 मिनट, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:06 पे दोनों सुइयां एक साथ बजेंगी, इस बात का ध्यान देना। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, अगर एक बार में चीजें नहीं समझ में आई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, अगली बार बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आईसीईआर टेक्नीशियन 2022 में पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटियां 6 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां एक समय एक साथ बजती हैं, अब कितने मिनट पश्चात वे फिर एक साथ बजेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 6 8 9 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे 6 8 9 और 10 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से डिवाइड करिए, 2 से करेंगे 2 3 6 2 4 8, 9 नहीं कटेगा, 2 5 10, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ संख्या और किससे कटेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको हम 2 से फिर काट देते हैं, तो 3 2 2 4 9 और कितना आ गया 5 फ्रेंड्स। अब 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे 3 1 9 3, 2 नहीं कटेगा, 3 3 9 और 5, अब पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए फ्रेंड्स 2 2 4 4 3 12, 12 2 24 24 3 72, पंचे कितना हो जाएगा 360, 360 सेकंड आ गया। लेकिन फ्रेंड कह रहा है कितने मिनट के पश्चात, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, यानी 6 मिनट बाद फ्रेंड्स ये एक साथ बजेंगे, इस बात का ध्यान देना। अगर 360 सेकंड होता तो भी ऑप्शन की ऑप्शन पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, तो भी सही रहता, लेकिन आपसे मिनट में पूछा है तो 6 मिनट यानी डी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं, वे तीनों एक साथ पूर्वाहन 10 बजे अगर बीप करते हैं तो वह समय बताइए जो अगली बार एक साथ बजे।
जाएंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि आपको एलसीएम निकालना है, 48, 72 और किसका 108 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 24, इसको 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 36 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 54 फ्रेंड्स। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 18 और 2 से काटेंगे तो 27, क्लियर है फ्रेंड्स। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, फिर कितनी बार जाएगा 2 9 18, फिर 2 से 27 नहीं कटेगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स फिर इसको 3 से लेके चले जाइए, 3 2 6, 3 3 9 और कितना हो जाएगा 3 9 27 फ्रेंड्स। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां 2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 1 3, 3 3 9, पूरी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 72, अब 72 गुणे कितना कर देंगे फ्रेंड्स 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 6 2 12, 12 की 2 हासिल लाइन 1, 6 7 42, 1 43, यानी 432 सेकंड आ गया फ्रेंड्स। इस बात का ध्यान देना, यहां अगर मिनट में दिया रहेगा तो मिनट में आएगा, सेकंड में दिया है तो सेकंड में आएगा, 432 सेकंड आ गया। इसको फ्रेंड्स अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 432 को आप 60 से भाग कर लीजिए, जैसे ही 60 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 7 6 42, इस बात का ध्यान देना 7 6 42, इसका मतलब 420 हो जाएगा, 12 बचेगा, यानी 6 सही 12 बटे कितना हो जाएगा 60, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 सही 12 बटे 60 का मतलब 6 मिनट 12 सेकंड, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 मिनट 12 सेकंड बाद 1:07 बजेंगे, यानी 10 बजकर आपको कितना हो जाएगा 6 7 42, सॉरी फ्रेंड्स 7 बार गया था, इस बात का ध्यान देना 6 7 42 यानी 7 बार गया था, तो यानी 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब कौन सा हो जाएगा 10 बजकर 7 सही 12 सेकंड के बाद जो है 1:07 बजेंगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लोग कभी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड जैसा कि ये अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वे किसी विशिष्ट समय पर 1:07 बजना शुरू होती है, तो कितने समय अंतराल के बाद 1:07 बजेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है, और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में समस्या है उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखते हैं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।